आप लोग कहाँ से हैं बम जी? बलिया से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीवी सिन्हा ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ की। और दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ शिव गंगा के पास और आज दिनांक है 30 जुलाई 2023, दिन रविवार है, ठीक है। और सोमवार सावन का जो है चौथा सोमवार कल जो है आने वाला है, और पुरुषोत्तम मास का कहे तो दूसरा जो सोमवार, मलमास भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिव गंगा के पास काफी चहल पहल देखने को मिल रही है, तो पूरा मैं आपको आज शेयर करूंगी यहाँ का, ठीक है, किस तरीके के यहाँ बम जो है यहाँ कांवर यात्रा करके अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को लेके कितना भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूरा यहाँ पर शिव गंगा पूरा दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शिव गंगा से ही शुरुआत करती हूँ। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कंवरिया यहाँ पर आके जो है बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके का जो है रात का दृश्य है, इस तरीके का आप देख सकते हैं, काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे बम जी बैठ कर आप देख सकते हैं कि शिव गंगा के बीचों बीच इस तरीके का लेजर शो चल रहा है, ठीक है। एक तरह से मान के चलते हैं कि उनका मनोरंजन, मतलब भोलेनाथ के बारे में, यहाँ का शिवलिंग के बारे में, बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में सब कुछ जो है इसमें दर्शाया जा रहा है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो पहले भी मैंने यहाँ पर शिव गंगा का जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने दिन में दिखाया था, और अभी मैं देखिए रात में दिखा रही हूँ कि ये देखने में जो लेजर शो यहाँ पे चल रहा है वो कैसा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो शिव गंगा का दृश्य है रात में आप देख सकते हैं, और चारों साइड से बम जी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, और इस लेजर शो का जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। बीचों बीच पानी के बीच में, जल के बीच में, इस तरीके से, ठीक है, शिवगंगा के बीचों बीच। और इधर देख सकते हैं काफी लोग जो है कांवड़िया यहाँ पर बैठकर आनंद ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ शिवगंगा तट के पास, अब देख सकते हैं कि कितना चहल पहल है। और अभी बम जी यहाँ पर आ भी रहे हैं कांवड़ लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सोमवार को लेकर यहाँ पर जो है कांवड़िया जो है शिवगंगा के पास पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने भी बहुत सारे कांवड़िया जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है यहाँ पर, देख सकते हैं। और ये रात का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है शिवगंगा, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और शिवगंगा के पास और काफ़ी चहल पहल है, सारा दुकान में आप देख सकते हैं बम ही बम दिखाई देंगे, बड़ा सा स्क्रीन भी इधर है, ठीक है। देखिए बम लोग, काफ़ी लोग बम जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं सोमवार को लेके, ठीक है, जल संकल्प करवा के। यहाँ से लाइन में भी वो लोग लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा संख्या में कांवड़िया जो है अभी पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पर जल संकल्प करवा रहे हैं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कांवड़िया आपको इस टाइम पे यहाँ पर जो है जो जिस इलाके के यहाँ पर पंडा जी होते हैं वो अपने अपने इलाके के पंडा जी से जल संकल्प करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत जगह आपको इस तरीके से देखेंगे जल संकल्प करवाते हुए, ठीक है। और इस तरीके से बहुत अच्छा जो है यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कांवड़िया यहाँ पर देख सकते हैं कि पहुँच रहे हैं, पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अभी बम जी का जल संकल्प हो गया है और लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं बम जी? बलिया से। बलिया से, तो आप लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। हाँ। तो अभी जो लाइन में लग जाइएगा, अभी लगे हुए। और सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा पैदल आप लोग आए हैं? हाँ। और कब चले थे सुल्तानगंज? अरे सुल्तानगंज 9 बजे शनिचर को, 9 बजे कल 9 बजे जल उठा लिए। 9 बजे और बीच में आपको कैसा लगा, व्यवस्था वगैरह सब कुछ? सब ठीक है। मलमास में कुछ दिक्कत हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ। तो अभी आप अभी लाइन में अभी तुरंत लग जाइएगा? हाँ, तुरंत लगेंगे। तो मतलब क्या सोच के चले थे कि सोमवार को ही जल चढ़ाना है? हाँ, सोमवार के लिए। सोमवार का सोमवार ही का टारगेट था, इसीलिए मतलब आज नहीं पहुँचे यहाँ पर ना, टारगेट था की सोमवार को जल चढ़ाना है। और मलमास को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या कहेंगे, जब लग ही गया तो क्या कहना है। नहीं, तो मलमास को आप लोग क्या मानते हैं? अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग हैं कि मतलब इसे अच्छा नहीं मानते हैं। नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्या कहेंगे, कल से तो शुरू हो गया, मतलब आप लोग अच्छा मान रहे हैं तभी तो पूजा करने आए हैं। बहुत उत्तम मास मानता है इसको। हाँ, तो खुल के बोलिएगा तब तो दर्द जोर से बोलिएगा, तब तो सुनेंगे, वीडियो में देखेंगे तो समझेंगे। हम तो कल किसी से जल चढ़ाने जा रहे हैं। चलिए,
तो पहली बार आए हैं कि नहीं, हमारे 8 साल हो गए, 8 साल से आ रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा अभी आपको कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ पर ठीक है, पहले से बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, एक बार कस के थोड़ा सा बोल बम बोल दीजिए। बोल जल संकल्प करवा रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप पूरा दिन रहते हैं? हाँ, दिन भर रहते हैं, अभी आप 1 घंटा और आधा घंटा रहेंगे फिर निकल जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा थोड़ा दोस्तों जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा ये बताइए कि मलमास को लेकर यहाँ पर जल संकल्प आप करवाते हैं तो किस तरीके का भीड़, मतलब कितना कम ज्यादा कुछ कैसा लग रहा है? नहीं, इस मलमास में तो मतलब सिर्फ बंगाल, आसाम और नेपाल, ये तीनों आते हैं, लेकिन यूपी वाला भी आधा मानता आधा नहीं मानता, लेकिन उत्तम मास मान के और बहुत मलमास में अभी जैसे लगना चाहिए उस हिसाब से मलमास में हर साल की बात है, ये नहीं बोलना कि इसी साल मलमास में कम पड़ता है। फिर 17 तारीख के बाद जो लगेगा मेला वो फिर अच्छा से फिर अपना जो श्रावण का जो होता है रूप वो ले लेगा। कहने का मतलब कि पहले जो मलमास लगने से कवरियों का भीड़ यहाँ पर कम हो गया है? हाँ, कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम लग रहा है, बहुत कम, बहुत कम है ना। एक तो ऊपर से मार है, हाँ, बारिश के चलते, हाँ, और धूप में चलना भी मुश्किल है, हाँ, और लेकिन मलमास तो खैर मलमास में हर साल की जब जब लगता है उस साल में। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या मतलब मलमास को कितना शुभ मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे मलमास के बारे में? मलमास मलमास सबके लिए शुभ है, उत्तम मास है ये, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास जिसको बोला जाता है, तो इसीलिए अब ये है बोलबम बहुत के जो मानते हैं वो ठीक है, हाँ। नहीं मानते हैं तो वो आ रहे हैं जल ढार रहे बाबा का, बाबा का सेवा कर रहे हैं। मास को लेकर बहुत ज्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है, मास को लेकर असर है अभी पता चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और शिव गंगा के पास देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रसाद सिंदूर सारा कुछ जो है, चूड़ा वगैरह जो भी है, यहाँ पर से बम लोग आकर ले जा सकते हैं पूजा करने के बाद। और देख सकते हैं कि बम जी अभी देखिए आ रहे हैं, बोलबम का जो है नारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी पहुंच ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कल यहाँ पर जो है कितना भीड़ होता है, लेकिन अभी भी कांवड़िया जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जल संकल्प भी करवा रहे हैं, और अभी रात का टाइम है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरा दुकान लगा हुआ है, जो सब लोग यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ से भी जो भी प्रसाद ले जाना होगा वो सब ले जा सकते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, सिंदूर बिंदी चूड़ा पेड़ा सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, जो प्रसाद में रहता है सब कुछ यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ मिला जुला कर यहाँ पर भीड़ जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब सोमवार की जब सुबह जो होगी तो इस तरह जो है ज़्यादा पता चलेगा कि कितने कांवड़िया यहाँ पर जो है पहुँचे हैं पूजा करने के लिए, सोमवार को जलार्पण करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के कांवड़िया के मन में होता है कि वो सोमवार को ही जलार्पण करें, और ज़्यादातर कांवड़िया जो है यहाँ पर जो रविवार को पहुँचते हैं, और जो मलमास में आ रहे हैं चाहे, और ऐसे भी सोमवार को जो सावन के जितने भी सोमवार हैं ज़्यादातर वो सोमवार को ही आना पसंद करते हैं, और जो मलमास में भी आ रहे हैं वो भी सोमवार को ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि जलार्पण करें, और यहाँ पर कवाड़िया पहुंच भी रहे हैं और काफी चहल पर यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और तो चलिए फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पैन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हर हर महादेव।